गायत्री पीची कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित हमारा टॉपिक शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमने हमारी पिछली कक्षा में शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारणों को दो भागों में विभाजित किया था। एक था पूर्वी शक्तियों के विरुद्ध पश्चिमी शिकायतें और दूसरा था पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध सोवियत की शिकायतें अर्थात पूर्वी की शिकायतें। आज हम जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो है कि अमेरिका व अमेरिका सहित अन्य देशों जिन्हें प्रायः पश्चिमी शक्तियों के नाम से जाना जाता है के विरुद्ध सोवियत संघ की जो शिकायतें थी अर्थात सोवियत संघ को अमेरिका से जो शिकायतें थी उनका हम आज की कक्षा में एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से कि सोवियत संघ को अमेरिका तथा अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों से क्या क्या शिकायतें थी। पहला है विभिन्न पश्चिमी नीतियों पर सोवियत संघ की नाराजगी। कहने का तात्पर्य कि जो भी अमेरिका के द्वारा और अमेरिका के सहयोगी राज्यों द्वारा जिस प्रकार की नीति का लागू करना नीतियों का पालन करना इससे सोवियत संघ की नाराजगी बढ़ती गई। सोवियत संघ पश्चिमी शक्तियों की विभिन्न नीतियों और कार्यवाही से बड़ा रुष्ट रहता था। उसका मत यह था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोवियत संघ की शक्ति तथा भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है अर्थात कि जिस प्रकार से पश्चिमी देश अपनी नीतियां और कार्यवाही का संचालन कर रहे थे इसलिए सोवियत संघ के मन में ये विश्वास बना कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सोवियत संघ की शक्ति तथा उसकी भूमिका को सीमित करने का प्रयास अमेरिका तथा अमेरिका के सहयोगी राज्य कर रहे हैं। इसलिए विभिन्न पश्चिमी राष्ट्रों के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती थी नीतियां लागू की जाती थी तो उसके प्रति हमेशा ही सोवियत संघ की एक शिकायत बनी रहती थी, सोवियत संघ की एक नाराजगी बनी रहती थी, क्योंकि उनका जो अप्रत्यक्ष जो उद्देश्य था वो यही था कि सोवियत संघ को कैसे सीमित किया जा सके अर्थात सोवियत संघ की जो शक्ति है उसको कम करने का काम किया जाता रहा था। तो ये जो है पहला कि विभिन्न पश्चिमी नीतियों द्वारा सोवियत संघ की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। अगला जो हमारा टॉपिक है जो दूसरा कारण है वो है जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने में देरी। देखिए, जब जर्मनी की सेना सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी तो स्टालिन के विचार में जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने की आवश्यकता थी। स्टालिन का मानना था कि ऐसा करने से जर्मनी की सेना को सोवियत संघ में आने से रोका जा सकता है तथा सोवियत सुरक्षा पर पड़े दबाव को कम किया जा सकता था। देखिए, मैं ये घटना बता रहा हूं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपन देखते हैं कि जर्मनी के द्वारा सोवियत संघ पे हमला किया गया। सोवियत संघ ने जर्मनी मतलब सोवियत संघ पर जर्मनी का आक्रमण हुआ अर्थात यूं समझ सकते हैं कि जर्मनी की सेना सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी। तो स्टालिन ने जो उसके सहयोगी राष्ट्र थे ब्रिटेन है फ्रांस है इनसे ये अपेक्षा की कि आप जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलें अर्थात जिस तरफ से सोवियत संघ में घुस रहा है उस तरफ तो सोवियत संघ खड़ा है लेकिन उसके पीछे की तरफ जो उसके सदस्य राष्ट्र हैं इस मित्र राष्ट्र में जो शामिल हैं उनको कहा है कि आप आपकी तरफ से एक मोर्चा खोलो
ताकि जर्मनी की सेना दो मोर्चों पर अलग अलग ढंग से लड़ेगी तो उसको कमजोर किया जा सकता है, उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, अब स्टालिन का यह मानना था कि ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसा करने से जर्मनी की सेना को सोवियत संघ में आने से रोका जा सकता था तथा सोवियत सुरक्षा पर जो दबाव पड़ रहा था उसको कम किया जा सके, ऐसा स्टालिन का मानना था। जबकि चर्चिल और रूजवेल्ट, चर्चिल इंग्लैंड से हैं और रूजवेल्ट अमेरिका से हैं, अब इन दोनों देशों का मानना यह था कि जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलना अभी इतना जल्दी संभव नहीं था क्योंकि इसके लिए पूरी तैयारी चाहिए थी तथा जब पश्चिमी शक्तियां मोर्चा खोलने को तैयार हुई तो वे मध्य यूरोप की ओर से युद्ध करने को तैयार होने का निश्चय किया, न कि पश्चिम की तरफ से। अब देखो रूजवेल्ट और चर्चिल ने क्या कहा या उनका क्या विश्वास रहा कि अभी जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा नहीं खोला जा सकता क्योंकि इसके लिए बहुत एक लंबी तैयारी की आवश्यकता होती है तथा जब पश्चिमी शक्तियां मोर्चा खोलने को तैयार भी हो गई तो उन्होंने पश्चिम से नहीं मोर्चा खोला बल्कि मध्य यूरोप की ओर से युद्ध लड़ने का तय किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार मोर्चा खोलने में देरी तथा भिन्न दिशा के कारण सोवियत संघ नाराज हो गया। सोवियत संघ ने इन पर यह एतराज जताया कि आप लोग जानबूझकर अपने रेट लतीफी की आपने, मैंने कहा आपको पश्चिम की तरफ से आप इसका सामना करो या उस पर आक्रमण करने का काम करो, लेकिन आपने सेंटर में आके ये काम किया तो आपको कहीं ना कहीं आपकी खुद की इच्छा है कि वो सोवियत संघ को परेशान करें, सोवियत संघ में हस्तक्षेप करें, सोवियत संघ पर हमला करें, सोवियत संघ को कमजोर करने की रणनीति आपकी रही है। अर्थात इस प्रकार का उनके मन में भाव आना, इससे सोवियत संघ क्या हो गया, नाराज हो गया। सोवियत संघ इनसे नाराज हो गया, एक तो ये, दूसरा कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा है फ्रांसीवादी इटली से पश्चिमी संबंध। अब देखो इटली, जर्मनी और जापान, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी। अब देखो, अब इटली है वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ है, अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, इनके खिलाफ है। तो देखिए कि जो इटली है, जो फांसीवादी राज्य था, इसके पश्चिमी देशों के साथ क्या संबंध रहे। देखिए सोवियत संघ का विचार था कि इटली में फांसीवाद के उत्थान के पीछे पूंजीवादियों का हाथ था क्योंकि वे इसे साम्यवाद के विरुद्ध एक प्रभावशाली विरोध समझते थे। कहने का तात्पर्य, सोवियत संघ ये यकीन करता था, ये विचार करता था कि इटली में जो फांसीवाद का जो उत्थान हो रहा है उसके पीछे पूंजीवादियों का पूरा पूरा हाथ है, अर्थात पूंजीवादी राष्ट्रों का बहुत बड़ा सहयोग है क्योंकि वो फांसीवाद को बढ़ाकर या फांसीवाद के उत्थान कर वो इसको ही साम्यवाद के विरुद्ध खड़ा करना चाहते थे और साम्यवाद के विरुद्ध खड़ा होना मतलब सोवियत संघ नाराज होना ही होना था। ठीक है, तो इटली के साथ शांति संधि करके या करते समय पश्चिम की सौम्यता तथा अमेरिका, इंग्लैंड तथा फ्रांस का इटली के साथ संबंध बनाने की उत्सुकता से सोवियत संघ को और भी अधिक विश्वास हो गया कि साम्यवाद के शत्रु विश्व राजनीति में सोवियत संघ की भूमिका को सीमित करने पर तुले हुए थे। स्पष्ट हुआ, एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि सोवियत संघ का ये विश्वास बन गया कि जो भी पूंजीवादी राष्ट्र हैं वो इटली में फांसीवाद का उत्थान कर रहे हैं, फांसीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, कारण वो इस फांसीवाद को साम्यवाद के विरुद्ध एक प्रभावशाली साधन समझते थे और इटली के साथ शांति संधि है उसको करते समय इटली के साथ संबंध बढ़ाने की उत्सुकता है वो इतनी बढ़ती हुई नजर आ रही थी कि सोवियत संघ को यकीन हो गया कि साम्यवाद के जो शत्रु हैं अर्थात जो पूंजीवादी राष्ट्र हैं वो विश्व राजनीति में सोवियत संघ की भूमिका नगण्य करने पर तुले हुए हैं, इसलिए उनको एक प्रकार से अविश्वास हो गया किसके प्रति,
फांसीवादी इटली के प्रति कि इटली है वो पश्चिमी शक्तियों के इशारे पर नाच रहा है और जैसा पश्चिमी शक्तियां कह रही हैं उसी प्रकार से ये काम कर रहा है और ये मेरे खिलाफ कर रहा है, तो इसका पूरा पूरा विश्वास उठ गया। अगला है सोवियत संघ को अपर्याप्त पश्चिमी सहायता। अब साथ में रहे, साथ में युद्ध लड़े, सब कुछ एक दूसरे को साझा किया, लेकिन इन शेष पश्चिमी शक्तियों के द्वारा इस प्रकार का कुछ गोपनीयता और जो सहायता दी जा रही थी उसमें भी उन्होंने जो कटौती करना प्रारंभ कर दिया। मतलब युद्ध के दौरान पश्चिमी सहायता में देरी और अपर्याप्तता से सोवियत संघ उत्तेजित हो गया। कहने का तात्पर्य कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें जो पश्चिमी देशों जो सहायता प्रदान की जा रही थी उसमें बहुत एक तो देरी हो रही थी, लेट लती भी हो रही थी, और दूसरी सहायता दी भी गई है तो वो इतनी अपर्याप्त थी कि सोवियत संघ इतना उग्र हो गया, इतना उत्तेजित हो गया, उसने ये अनुभव किया कि जर्मनी ने आक्रमण का हमारा बड़ा नुकसान किया है। कहने के तात्पर्य न तो हमें पूरी सहायता मिल रही है और जो सहायता मिल रही है वो बहुत देरी से मिल रही है, और इससे क्या हुआ कि जर्मनी ने आक्रमण करके हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। पश्चिम का ये कर्तव्य बनता है कि वह उसे आक्रमण का सामना करने के लिए पर्याप्त सहायता दे, परंतु उसे निराशा ही हाथ लगी कि जब जर्मनी सोवियत संघ पर हमला किया तो उस समय उसको किसी प्रकार से पश्चिमी सहायता प्राप्त नहीं दिखाई दे रही थी, तो उसको ये मन में विश्वास हो गया कि पश्चिमी देश ये चाहते हैं कि जर्मनी लंबे समय तक सोवियत संघ में बना रहे और आक्रमण करता रहे ताकि उसको नुकसान पहुंचे। जब इस प्रकार का उसको ये एहसास हो गया तो उससे बहुत निराशा हाथ लगी कि मुझे साथ रखे मेरे साथ धोखा दिया। इसी प्रकार से अगला है लैंड लीज समझौते का आकस्मिक समापन। अब देखिए ये एक समझौता है लैंड लीज समझौता जिसका तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया या समापन कर दिया गया। अब उसमें ये क्या था तो समझिए कि सोवियत संघ को लैंड लीज समझौते के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता को समाप्त कर दिया गया। मतलब एक प्रकार की जो एड अर्थात उनको जो सहायता प्रदान की जाती थी सोवियत संघ को लैंड लीज समझौते के तहत, उस सहायता को समाप्त कर दिया गया, जिससे सोवियत संघ ने बिल्कुल नापसंद किया। सोवियत संघ को बिल्कुल ये पसंद नहीं आया कि इस प्रकार का जो कदम उठाया गया है ये अमेरिका द्वारा ये बिल्कुल पसंद नहीं किया जा सकता। सोवियत संघ वैसे पहले ही पश्चिमी के द्वारा दी जाने वाली थोड़ी सी सहायता से असंतुष्ट था, लेकिन अमेरिका के इस निर्णय ने और भी उसमें आग में घी डालने का काम किया कि कटौती तो पहले से की जा रही थी लेकिन इससे ज़्यादा हुई तो भी उससे मन में इस प्रकार के भाव पैदा हो गए कि ये हमारे खिलाफ एक प्रकार की बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। अगला है छठा पॉइंट आपका महत्वपूर्ण अणुबम का आविष्कार, यानी अणुबम पर अमेरिका की गोपनीयता। कहने का तात्पर्य कि जब अमेरिका के द्वारा परमाणु बम बना लिया गया और परमाणु बम जब बना लिया गया उसको परीक्षण हुआ तब सोवियत संघ को पता चला कि अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया। अरे जब बनने के बाद में जब वहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ सब कुछ हुआ तब तक दुनिया के किसी देश को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही अमेरिका के द्वारा जापान पर प्रयोग किया गया तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किया है। अब ये परमाणु तकनीक अनुबम बनाना ये अमेरिका और अमेरिका के जो भी चारों तरफ घूमने वाले राज्य हैं अर्थात जिनको कहा जाता है सैटेलाइट स्टेट, इनको पता था, फ्रांस को पता था, ब्रिटेन को पता था, लेकिन सोवियत संघ को पता नहीं था। अब सोवियत संघ के मन में ये आभास हो गया कि इन राज्यों को पता है लेकिन मुझे नहीं पता, इसका मतलब वो मेरा दोस्त नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, बल्कि मेरा प्रतिद्वंदी है और मेरा दुश्मन है। तो देखिए अपनी अणु क्षमता पर अमेरिका का गोपनीयता रखने का निर्णय तथा सोवियत नेताओं को विश्वास के लिए बिना जापान पर अणुबम गिराने का जो निर्णय सोवियत संघ ने किया वह बहुत ही कष्टप्रद लगा। सोवियत संघ ये महसूस करता था कि युद्ध का भागीदार होने के कारण युद्ध में प्रयुक्त होने वाले सभी शस्त्रों तथा युद्ध तकनीक पर उसका भी अधिकार है।
कहने के तात्पर्य मैं इस विश्वयुद्ध में शामिल हूँ, मेरे मेरे जो भी मित्र राष्ट्र हैं उन मित्र राष्ट्रों को युद्ध में भागीदार होने का कारण तथा युद्ध में प्रयोग ली जाने वाली जो भी शस्त्र हैं या तकनीक हैं उस पर उसका भी अधिकार बनता है। परंतु अमरीकी ऐसा नहीं सोचते थे। ब्रिटेन व कनाडा को ये बात पता थी, पर सोवियत संघ से गुप्त रखा गया। स्टालिन ने इसे महान विश्वासघात बताया था। तो इस प्रकार से अनुबम का अमेरिका के द्वारा गोपनीयता रखना एक बहुत बड़े खतरे को और या बहुत बड़े तनाव की ओर इंगित करता था। अगला है विभिन्न पश्चिमी निर्णयों पर सोवियत संघ की अस्वीकृति। विभिन्न पश्चिमी निर्णयों पर सोवियत संघ की अस्वीकृति अर्थात पश्चिमी नेताओं द्वारा किए जाने वाले विरोधी प्रचार। पश्चिमी नेताओं द्वारा किए जाने वाले विरोधी प्रचार ने सोवियत संघ को बहुत दुखी कर दिया था। अब देखें जो भी पश्चिम के नेता हैं वो इस प्रकार से विरोधी प्रचार करके झूठा प्रचार करके सोवियत संघ को बहुत दुखी किया। चर्चिल का फुलटन भाषण हो, ट्रूमैन सिद्धांत हो, मार्शल योजना हो या अमेरिकी सेनेट द्वारा सोवियत संघ की विदेश नीति की आलोचना से सोवियत संघ नाराज हो गया। अब आप देखो चर्चिल के फुलटन भाषण से शीतयुद्ध की शुरुआत मानी जाती है। वैसे ट्रूमैन सिद्धांत है, मार्शल योजना है, ये विभिन्न प्रकार से अमेरिकी से अमेरिकी आधिपत्य स्थापित करने के काम किया जा रहा था। साथ ही साथ अमेरिकी सीनेट द्वारा सोवियत संघ की विदेश नीति की आलोचना जबरदस्त तरीके से हो रही थी, तो इससे भी सोवियत संघ नाराज हो गया। तो आप देख रहे हैं कि इन उपरोक्त आधार पर जो सोवियत संघ है वो पश्चिमी शक्तियों से नाराज होता गया। अब आप देखो मैंने एक एक करके सभी लिए कि विभिन्न पश्चिमी नीतियों पर सोवियत संघ की नाराजगी, जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोलने में देरी, फांसीवादी इटली से पश्चिमी सोवियत संघ को अपर्याप्त पश्चिमी सहायता, लैंड लीज समझौते का आकस्मिक समापन, अनुबम पर अमेरिका की गोपनीयता, विभिन्न पश्चिमी निर्णयों पर सोवियत संघ की अस्वीकृति। तो इन उपरोक्त आधार पर सोवियत संघ है उसको अमेरिका की तरफ से अविश्वास पैदा हुआ और आपस में तनाव बढ़ा।